फ्रेंड कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो एक और कंपैरिजन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। एक तरफ है मोटो का G52 और दूसरी तरफ है सैमसंग गैलेक्सी A23। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर प्राइस की बात करी जाए तो मोटो के G52 को 16,499 रुपए के प्राइस में 6GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरियंट को बाई कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ सैमसंग गैलेक्सी A23 को 18,499 रुपए के प्राइस में 6GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाय कर सकते हैं। इन दोनों स्मार्टफोन के प्राइस में 2000 रुपीज का डिफरेंट देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी जाना चाहते हो कि 2000 रुपए कम खर्च करके मोटो के G52 को बाय करना चाहिए या फिर 2000 रुपए ज्यादा खर्च करके सैमसंग गैलेक्सी A23 को बाय करना चाहिए, जानने के लिए आज के इस कंपेरिजन वीडियो को पूरा जरूर देख के जाइए। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम शुरू करें। स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की अगर बात करी जाए तो प्राइस में 2000 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है, पर फिर भी आप लोगों को दोनों में लगभग एक जैसा ही प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, क्योंकि मोटो के G52 में भी क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 का एक गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वह दूसरी तरफ सैमसंग गैलेक्सी A23 में भी क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 का एक गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। पर मोटो के G52 के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप लोगों को मोटो के G52 में नियर स्टॉक एंड्रॉइड का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, एक क्लीन UI देखने को मिलती है, फोन में कोई भी ब्लॉटवेयर देखने को नहीं मिलता। सिर्फ इसी वजह से फोन काफी ज्यादा स्मूथ बन जाता है और परफॉर्मेंस भी थोड़ा सा अच्छा ही देखने को मिलेगा आप लोगों को गैलेक्सी के A23 के मुकाबले। दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले सेगमेंट की अगर बात करी जाए तो काफी ज्यादा डिफरेंट देखने को मिल जाता है, क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी A23 का प्राइस 2000 रुपए ज्यादा, उसके बाद भी आप लोगों को गैलेक्सी के A23 में 6.6 इंच की प्लस TFT डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 90Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि 18,500 रुपये के प्राइस में गैलेक्सी के A23 में लो एवरेज क्वालिटी की ही डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। जबकि कम पैसे खर्च करने के बावजूद मोटो के G52 में 6.6 इंच की PoLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 90Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग डिस्प्ले वाइज कोई नया स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो कम पैसे खर्च करके आप लोगों को मोटो के G52 को ही बाय करना चाहिए। स्मार्टफोन के कैमरा सेगमेंट की अगर बात करी जाए तो मोटो के G52 में बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50MP का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, बाकी के दो कैमरे 8+2MP के मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ। वही सेल्फी के लिए 16MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि कम से कम प्राइस में भी मोटो के G52 में फ्रंट और बैक दोनों में काफी अच्छा कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ सैमसंग गैलेक्सी A23 में बैक में क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। 50MP का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, बाकी के तीन कैमरे 5+2+2MP के मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ। वहीं सेल्फी के लिए सिर्फ 8MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि 18,500 रुपए के प्राइस को अगर देखा जाए तो गैलेक्सी के A23 में लो एवरेज क्वालिटी का ही सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। पर बैक का कैमरा काफी अच्छा देखने को मिल जाता है, क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी A23 के बैक कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाए। स्मार्टफोन के बैटरी सेगमेंट की अगर बात करी जाए तो दोनों में ही 5000mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती, पर चार्जिंग स्पीड में काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है, क्योंकि मोटो के G52 में 33W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जबकि गैलेक्सी के A23 में 25W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर की अगर बात करी जाए तो दोनों ही स्मार्टफोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को। तो अब बात करी जाए दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। दोनों में ही एक ऐसा प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, पर मोटो के G52 में नियर स्टॉक एंड्रॉइड का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसकी मदद से परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेटर हो जाता है मोटो के G52 में। कम पैसे खर्च करने के बावजूद भी आप लोगों को मोटो के G52 में एक बेटर क्वालिटी की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, फ्रंट और बैक दोनों में एक अच्छा कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। वहीं ज्यादा पैसे खर्च करने के बावजूद भी आप लोगों को लो एवरेज क्वालिटी की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, सिर्फ 8MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, सिर्फ 25W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। ऑल ओवर देखा जाए तो कम पैसे खर्च करके आप लोगों को मोटो के G52 को ही बाय करना चाहिए।